सिंगरौली में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बच्चियों की सौदेबाजी करके उन्हें प्रदेश से बाहर भेजने की फिराक में थे। सिंगरौली में पुलिस ने मानव तस्करी में लगे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिग बच्चियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया है। इसके साथ ही पुलिस ने मानव तस्करी के गिरोह में शामिल 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी ने बताया कि सराई की रहने वाली 2 महिला आरोपी और 3 पुरुष आरोपियों ने बच्चियों को छतरपुर के रहने वाले देवेंद्र और बिहारी लाल को बेच दिया था। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ट्रेन से बच्चियों को प्रदेश से बाहर ले जा रहे आरोपियों को स्टेशन पर उतारते ही गिरफ्तार कर लिया। सराई थाना अंतर्गत जो है पुलिस को सूचना मिली थी मुखबर के माध्यम से, ये कुछ महिलाओं के द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों को बेचा जा रहा है और पुलिस ने सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया और जो संदेही व्यक्ति थे उन सभी को जो है पुलिस ने थाने बुलाकर के पूछताछ की। तो इसमें ये खुलासा हुआ है कि छतरपुर निवासी एक युवक जो है किसी एक एजेंट के माध्यम से जो है सराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इटमा में पहुँचा था। वहाँ उसने कुछ रुपये देके एक उसके साथ में एक अन्य युवक भी था, 2 पार्टियाँ इसमें आई थी और दोनों पार्टियों ने कुछ रुपये लेके यहाँ से कुछ जो महिलाएं हैं उन्होंने 2 युवतियों को, जो बालिका एक उसमें एक नाबालिग बालिका है और एक अन्य युवती है, और उसको जो है ट्रेन में बिठा के रवाना किया था। और इनकी ही जो गैंग के अन्य सदस्य थे उन्होंने अगले स्टेशन पर जो है उन दोनों बालिकाओं को उतार लिया और इस प्रकार जो है इन्होंने पैसा लेके जो एक नाबालिग बालिका और एक अन्य युवती को जो बेचा था उसके बाद जो है इन्होंने उनको अगले स्टेशन पर उतार लिया। इससे जो क्रय करने के लिए जो टीम आई हुई थी उसका एक व्यक्ति वापस सराई आया और वहाँ पे लोकल जो है लेवल पे जो है जब इनको तलाशना चाहा तो जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने जो है इसमें इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इसमें जो लिप्त लोग हैं जिसमें 3 महिलाएं हैं और एक एजेंट है और एक नेता है और एक अन्य व्यक्ति को, टोटल जो है इसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।